यो काली किताब है दुनिया की सब तो भैड़ी किताब, जिस किताब ने हजारां साल की गुलामी दिती। जिन्हें एक किताब नहीं वेखी, जिन्हें एक किताब नहीं पढ़ी, उन्हें की पता कि इहदे च की लिखिया है। इहदे च ही लिखिया है कि थोड़ा कोई घर घाट नहीं होगा। इहदे च ही लिखिया है कि तुसीं खाओगे नहीं कुछ अपने घरे, तुसीं सिर्फ झूठ खाओगे लोगों की सुट्टी हुई। इहदे च ही लिखिया है, इहदे च ही लिखिया है कि थोड़ी कोई जायदाद नहीं होएगी, जायदाद थोड़ी कुत्ते गधे ते सूर होएगी। इहदे च ही लिखिया है कि तुसीं छूदर हैं और छूदर बराबर कुत्ता हुंदा। इहदे च ही लिखिया है, इहदे च ही लिखिया कि औरत नूं कदे विद्या नहीं देनी, कोर नरक नूं जाओगे। इहदे च ही लिखिया है, इहदे च ही लिखिया कि अखां कढ दित्तियां जाणगियां अगर किसी किताब नूं वेखोगे तां। इहदे च ही लिखिया है कि कन्नां च सिक्का ढाल के पा दिओ अगर कोई अक्खर सुणदा तां। इहदे च ही लिखिया कि जबान खोलदा तां कोई जबान कट दिओ। इहदे च ही लिखिया है कि जे उच्ची थां ते कोई भुल के छूदर बैठदा है तां तत्ते सरिये उहदे पुड़ियां ते ला दिओ। तुसीं जे इह किताब वेखी नहीं तां पढ़ोगे किवें? इसे करके मैं ब्राह्मण दे ग्रंथां दे विचों ओह हवाले भारतीय लोग नीच किवें बने च देते कि चलो उन्ना ही पढ़ लो तुसीं, विद्या थोड़ी खत्म, कपड़े थोड़े खत्म, छत थोड़े कोल कोई नहीं, जायदाद थोड़े कोल कोई नहीं, झूठ खानी है, सिर ते खंभ बन के चलना है, मूँह ते कुजा बन के चलना है, लक नाल झाड़ू बन के चलना है, जुत्ती कदे नहीं पाउणी, 12 बजे बाहर निकलना है और निकल तो बाद आवाज़ देनी है कि मैं आ रहा। आवाज़ देनी पै, आवाज़ देनी पैंदी जाके कि मैं आ रहा। इस किताब ने तकदीर लिखी थोड़ी, और ये लिखण वाला कौन है? पुष्पा मित्र ब्राह्मण दा जिहड़ा चेला सी, क्योंकि पुष्पा मित्र राजा है और राजे का एक चेला है जिहदा नाम मनु है। ये पुष्पा मित्र जब राजगद्दी ते बैठा साडे बजुर्गों नूं मार के तद ये किताब लिखाई। ये एक संविधान है, ये ब्राह्मण का संविधान है। अगर राम राज आ गया तो की लागू होएगा? अरे राम राज आ गया तो लागू की होएगा? पहला तो तुसी भुल जाओ कि जय भीम कहोगे, ये भुल जाओ कि वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह कहोगे, अगले सिट लेंदे है। तुसी सोचते साढ़े नाल तो हुंदा नहीं है, अरे वो कौन है जिहदे नाल हो रहा है?